हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड अ इंडिकेटर। इंडिकेटर वो होते हैं जो वो सब्सटेंस जो किसी चीज़ को इंडिकेट करें कि दैट सॉल्यूशन है। जैसे इस चैप्टर को, ये चैप्टर हमारा एसिड बेस्ड सॉल्यूशन है, तो ये इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेट करेंगे दैट सॉल्यूशन इज़ अ एसिडिक, दैट सॉल्यूशन इज़ अ बेसिक, या फिर दैट सॉल्यूशन इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं कि जो ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड अ कलर इंडिकेटर एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड द ऑर्डर इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? दोज इंडिकेटर, यानी वो इंडिकेटर जो कलर के थ्रू बताएं कि दैट सॉल्यूशन इज़ अ एसिडिक, डॉट सॉल्यूशन इज़ अ बेसिक और डॉट सॉल्यूशन इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यानी कलर इंडिकेटर का मतलब क्या है? जो कलर के थ्रू बताएंगे कि सॉल्यूशन कौन सा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा हमारा बेसिक सॉल्यूशन है और कौन सा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ये जो कलर इंडिकेटर्स होते हैं, इट विल बी ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड अ नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड द सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब क्या हो गया? जो किसी नेचुरल थिंग से बना होगा, एज फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर जो होता है, ये ब्लू एल्गी से मिलकर के एल्गी से बनाया जाता है, इसलिए हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, एक तो रेड लिटमस पेपर होता है, दूसरा ब्लू लिटमस पेपर होता है। सपोज करो किसी सॉल्यूशन को हम रेड लिटमस पेपर में पर गिराते हैं, पुट करते हैं, और ये रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द देन इट इज़ कॉल्ड अ बेसिक सॉल्यूशन। और अगर सपोज करो किसी सॉल्यूशन को हम ब्लू लिटमस पेपर पे पुट अप करते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स दैट इज़ अ एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा और कौन सा हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिक होगा, अगर ब्लू आपका लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है किसी सॉल्यूशन के गिराने पे, तो दैट इज़ कॉल्ड एसिडिक सॉल्यूशन। इसके बाद आता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर दोज इंडिकेटर विच प्रिपेयर इन द लैबोरेटरी, यानी वो इंडिकेटर जिसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंथेटिक इंडिकेटर। और ये जो होता है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड अ फिनोफ्थलीन एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड अ मेथिल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जबकि मेथिल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है। देखो एक चार्ट बनाए जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा हमारा न्यूट्रल होगा। सपोज कर हमने टेस्ट ट्यूब ए लिया, बी लिया एंड सी लिया, और हमें ये नहीं पता कि किस सॉल्यूशन, किस टेस्ट ट्यूब में हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं, फिनोफ्थलीन को ए में डालते हैं। फिनोफ्थलीन, अभी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इसको जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद ये जो सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ए में रखा हुआ है, इस फिनोफ्थलीन में डालने के बाद उसमें कोई भी कलर चेंजेस नहीं होते हैं, वो कलरलेस ही सॉल्यूशन हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ एसिडिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सपोज कर एक टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें हमने फिनोफ्थलीन को डाला और वो कलरलेस सॉल्यूशन पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, इट्स ए प्रूफ हो जाएगा कि दैट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। और अगर सपोज करो हम सी में पुटअप करते हैं और सी में डालने के बाद इस फिनोफ्थलीन का कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस ही रहता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल। यानी ए और सी क्या होता है, हो सकता है एसिडिक हो या हो सकता है न्यूट्रल। यानी फिनोफ्थलीन को अगर हम एसिडिक या न्यूट्रल में डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, जबकि बेस में डालते हैं तो इसका कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा मेथिल ऑरेंज। सपोज करो हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए है, बी है और सी है, हमारे पास हमको ये नहीं पता कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है, तो मेथिल ऑरेंज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। सपोज करो उस मेथिल ऑरेंज के सॉल्यूशन को हमने टेस्ट ट्यूब ए में डाला और जैसे ही मेथिल ऑरेंज को ए में डालते ही ऑरेंज से अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सपोज करो मेथिल ऑरेंज को हमने बी में डाला और वो ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। और मेथिल ऑरेंज को अगर सपोज करो हम सी में डालते हैं और इसका कलर चेंज नहीं रहता, ऑरेंज ही रह जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसे प्रूफ हो जाता है कि दैट इज़ एसिडिक सॉल्यूशन या फिर दैट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन और दैट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे, ये तो हमारा कलर इंडिकेटर हो गया। सेकेंड आता है हमारा ऑर्डर, का मतलब क्या होगा, वो इंडिकेटर जो किसी स्मेल के थ्रू बताता है कि दैट सॉल्यूशन इज अ एसिडिक, दैट सॉल्यूशन या बेसिक या दैट बेसिक होगा या फिर एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो ऑर्डर इंडिकेटर इज आल्सो नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
ठीक है, यानी वो इंडिकेटर जो ऑर्डर के थ्रू यानी स्मेल के थ्रू बताएगा कि दैट सॉल्यूशन इज़ अ एसिड और दैट सॉल्यूशन इज़ अ बेसिक। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है, दैट इज़ द ओनियन चिप्स हो गया, वेनिला एसेंस हो गया, या क्लोव ऑयल। इन तीनों की अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, ठीक है। जैसे ओनियन की अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, वेनिला एसेंस की अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है, या फिर क्लोव ऑयल की अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। तो अब सपोज़ कर हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब रखे हैं, ए और बी। हमें नहीं पता कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो सपोज़ करो ए में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, बी में कोई सॉल्यूशन रखता है, और हम क्या करते हैं, ओनियन चिप्स को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं और स्मेल करके देखते हैं। जिस टेस्ट ट्यूब में ओनियन की स्मेल एज यूजुअल रहती है, मतलब उसकी स्मेल गायब नहीं होती है, तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में ओनियन चिप्स को डालने के बाद उसकी पर्टिकुलर स्मेल गायब हो जाती है, तो दैट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। यानी ऑर्डर इंडिकेटर को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और उसकी स्मेल एज यूजुअल रहती है, तो मतलब वो कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और उसकी स्मेल गायब हो जाती है, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बेसिक सॉल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही।